नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो का। कोई भी मॉडल हो, चाहे एम होक हो, S10 हो, 11 हो, कोई भी गाड़ी है, तो ये क्लासिक स्कॉर्पियो है। इसके अंदर अगर आपकी चाबी रह जाती है तो उसको आप कैसे खोल सकते हैं बिना कुछ तोड़े। कई बार क्या करते हैं लोग, ये वाला जो ग्लास है ये तोड़ के, या फिर ये कोई भी एक ग्लास तोड़ के चाबी अंदर से निकालते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है जब गाड़ी के अंदर रह जाती है चाबी। मैं आज आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको कुछ भी तोड़ना नहीं है, बिना कुछ तोड़े आप गाड़ी से आराम से चाबी निकाल सकते हो। तो अभी ये देखिए, गाड़ी ये लॉक है, अभी मेरे हाथ में ही अभी अनलॉक है। और अब मैं इसको, ये देखिए, ये लॉक कर दी। अब मैं ये चाबी जो है साइड में रख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए। और अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले ये वाला जो इसका कॉर्नर है, ये वाला नीचे वाला कॉर्नर, इसके अंदर आपको इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर डालना डालना है अंदर, पूरा अंदर जाने देना स्क्रू ड्राइवर को। फिर इसको ऐसे बाहर की तरफ हल्का हल्का खींचना है। यहाँ स्क्रू ड्राइवर लगाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइड में कहीं स्क्रैच ना लगे। उसके बाद ये जैसे कॉर्नर से बाहर आ जाए तो इसको हाथ से पकड़ के ऐसे बाहर खींच लीजिए इसको। ये देखिए, ये बाहर आ गया, इसको साइड में रख दीजिए। अभी भी ये गाड़ी देखिए लॉक है। अब आपको क्या करना है, गाड़ी खुली है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसके अंदर ये जो RC लीवर है, इसका वाला RC लीवर, इसके अंदर ये जो लॉक का बटन रहता है, ये वाला, यहाँ से आप इसको अनलॉक कर दीजिए। अनलॉक करने के बाद तो आप आराम से खोल दीजिए, गाड़ी खुल गई। इस तरीके से आप आपकी गाड़ी को बिना टाइम वेस्ट किए और बिना कोई नुकसान किए, गाड़ी का कांच वाच तोड़े बिना आप आराम से गाड़ी को खोल सकते हैं। अब इसको जो वापस फिटिंग करने का प्रोसेस है वो भी एकदम ईजी है। आपको क्या करना है, वही स्क्रू ड्राइवर ही चाहिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये यहाँ से इसको पहले लगा दीजिए आप ऊपर से, ऐसा करके यहाँ पे ऐसे इसके अंदर जाने दीजिए सीधा। लगाने के बाद ये जो साइड वाली कोट है इसको डालिए, नहीं तो ये नीचे वाला जो कॉर्नर है, ये बड़ा बड़ा वाला जो साइड रहता है, इसको ऐसे हाथ से अंदर कर दीजिए। अब आप क्या करें, स्क्रू ड्राइवर वही लीजिए वापस, और यहाँ से इसके नीचे से इसको अंदर डालने की कोशिश कीजिए। यहाँ से ये इसकी डबल कोट रहती है अंदर की तरफ, इस बोर्ड का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको स्क्रू ड्राइवर से आप चढ़ाइए इसके ऊपर, उसका कॉर्नर है फाटक का, उसके ऊपर। यहाँ से ये कंप्लीट होने के बाद आप इसमें हाथ से भी घुमा सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से घुमा लीजिए, जैसे भी घुमाइए। यहाँ से ये पूरी चढ़ गई, ये वाली साइड जो रह रही है इसको अंदर भी स्क्रू ड्राइवर डाल के उसको पूरा चढ़ा दीजिए। लास्ट में ये जो कॉर्नर बच रहा है इसको इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। और यहाँ से ये जो कॉर्नर सही नहीं है, इनको थोड़ा हाथ से बैठा दीजिए बस। और यहाँ से ये बाहर से जो रह गया है गार्निश के ऊपर से, इसके अंदर ऐसे स्क्रू ड्राइवर डाल के फिटिंग कर दीजिए। आपको कुछ भी तोड़ना नहीं पड़ा, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, किसी मैकेनिक को नहीं बुलाना पड़ा। आसानी से आप इस तरीके से आपकी चाबी गाड़ी से निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले इसी तरीके की किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।